नाबालिग भाई बहन की हत्या कर आरोपी ने लगाई फांसी। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना अंतर्गत ग्राम भैंसो के नवापारा में आलोक तथा उसकी बड़ी बहन मधु गोराहा दोनों भाई बहन पिछले कुछ माह से घर में रह रहे थे, जबकि पूरा परिवार कमाने खाने गुजरात गए हुए थे। बीती रात को आलोक व मधु की रोड से हमला कर हत्या कर दी गई। वहीं ग्रामीणों के अनुसार हत्यारा उसी के परिवार का चाचा मनीष गोराहा ने घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने गांव के बाहर तालाब के पास फांसी लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। नवभारत समाचार छत्तीसगढ़, जांजगीर चंपा से देवराम धीवर। ये भैंसों ग्राम में आज सुबह दो व्यक्तियों की मृत्यु की हत्या की सूचना पर से पुलिस यहां पहुंची थी, क्योंकि अभी घटनास्थल पर मर पंचनामा चल रहा है। इसमें दो लोगों की हत्या की जो की गई है उसमें एक महिला है जो कि 19 वर्ष की है और एक छोटा बालक है करीब 9 वर्ष का, भाई बहन है ये दोनों, और इसमें सर पे रॉड मारकर हत्या की गई है। घर में ही दोनों उपस्थित थे। जो आरोपी है वो उसने स्वयं भी फांसी लगा ली है। गांव के तालाब के पास ही उसकी लाश मिली है और उसमें भी अभी मर पंचनामा जारी है। आरोपी के द्वारा जिस रॉड का उपयोग किया गया था वो भी जहाँ पे उसने फांसी लगाई उसके पास बरामद हुई है और उसके ऊपर भी ब्लड के निशान पाए गए हैं। पूर्व से ही पारिवारिक रंजिश होने के कारण प्रथम दृष्टया ये हत्या को अंजाम दिया है। इस प्रकार से ही अभी पुलिस की पूरी विवेचना, सभी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौके पर उपस्थित। कैसे घटना के बारे में पूरा जानकारी बता। घटना रात के हो है और रात के घटना है, कई बजे हो मेरे को मालूम नहीं है। मैं दूसरे यहाँ रहता था अपने घर पे, सुबह आके देखा दरवाज़ा को खोल के देखा तो लाश पड़ा हुआ था, और देखा तो फिर रोने लगा और गांव के आदमी को बुलाया, आस पड़ोस के आदमी को। कैसे शंका, क्या कारण है उनको मारे हैं? अब उसका कारण है दुश्मनी निकाला है। क्या दुश्मनी? और वो अपना उसका जो बीवी है उसको लेकर, मेरा भाई तीसरा वाला रहता था वो लेकर गया था, इसी कारण सब सलाह होकर करवाया गया है। कौन कौन है उसमें? उसका पूरा परिवार सहित है, पूरा उसका जितना परिवार है ना वो सब मिल के साजिश करके।